हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एमईके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्यूरीफायर। ठीक है, प्यूरीफायर क्या होता है और प्यूरीफायर में कैसे प्रोसीजर होता है, उसमें कैसे क्लीनिंग किया जाता है वगैरह वगैरह सब इसमें पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ स्वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे और यही हम लोग जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह आपका एमईके का थ्योरी है और थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। जीपी रेटिंग के लिए स्पेशलिस्ट ये बनाया गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन पढ़ा गया है, पढ़िए आपको। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर क्लीनिंग ऑयल और प्रोसीजर टू रिमूविंग इम्प्यूरिटी। बोल रहा है कि वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिससे आप जो तेल में जो ऑयल में इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है, उसको आप रिमूव करेंगे। इसको उल्टा इस तरह भी पूछ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर क्लीनिंग ऑयल, और ऑयल को क्लीन करने के लिए आप कौन कौन से डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिए। पहले आपको ग्रेविटेशनल सेटलमेंट करना पड़ता है, यानी ग्रेविटेशनल सेटलमेंट कर देंगे। किसी भी टैंक में अगर ऑयल को रख देंगे तो जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो सब जाकर टैंक में सेटलिंग हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। तो फर्स्ट हो गया है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। आप उसको प्यूरीफायर कर देंगे तभी भी ऑयल की जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आप उसको फिल्टर से छान कर निकाल देंगे तो इम्प्योरिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो तीन मेथड हैं, ग्रेविटेशनल सेटलिंग, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो कौन कौन से रिमूविंग इम्प्योरिटी को कैसे कैसे रिमूव किया जाता है, तीन चीज़ों से रिमूव किया जाता है, थ्री मेथड से, ग्रेविटेशनल सेटलमेंट, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नंबर दो की बात कर रहा है, लिखा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्यूरीफायर, यानी फंक्शन ऑफ प्यूरीफायर क्या होता है, और प्यूरीफायर का दूसरा नाम सिनोनिम होता है सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर और फंक्शन ऑफ प्यूरीफायर दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही वर्क करता है। जो प्यूरीफायर होता है, जो ऑयल प्यूरीफायर होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर फोर्स पर ही काम करता है, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूरीफायर, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑयल प्यूरीफायर, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। इट इज सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड इम्प्यूरिटी फ्रॉम ऑयल। ये ऑयल से क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड जो गंदगी होती है उसको क्या करता है, अलग अलग छान देता है। ठीक है, तो इट इज सेपरेट सॉलिड और लिक्विड इम्प्यूरिटी फ्रॉम ऑयल, याद रखिएगा। ठीक है, इट इज सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड इम्प्यूरिटी फ्रॉम ऑयल। नंबर दो की बात कर लें, व्हाट विल वी चेक इन प्यूरीफायर इन ऑपरेशन। बोल रहा है कि एक प्यूरीफायर वर्किंग कंडीशन में, ठीक है, ऑयल प्यूरीफायर या सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर वर्किंग कंडीशन में है तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम क्या चेक करेंगे कि जो ऑयल का पैसेज है और जो वाटर का पैसेज है दोनों एक में मिक्सअप ना हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक व्हेन द ऑयल इज नॉट कमिंग फ्रॉम द वाटर पैसेज और water is not coming from the oil passage, water is not coming through the oil passage। ठीक है, water is not coming through the oil passage, first ये check करेंगे। उसके बाद gear oil in a gear case, दूसरा ये check करेंगे। उसके बाद motor load check कर लेंगे। बस हमको तीन ही चीज check करना है, ऑयल इज नॉट कमिंग थ्रू द वाटर पैसेज या वाटर इज नॉट कमिंग थ्रू द ऑयल पैसेज। उसके बाद आपका क्या चेक करेंगे, गियर ऑयल इन या गियर केस, गियर ऑयल में गियर ऑयल गियर केस में सही है कि नहीं। उसके बाद उसका मोटर का लोड चेक कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ प्यूरीफायर, बोल रहा है कि एक प्यूरीफायर ऑयल प्यूरीफायर का हम मेंटेनेंस क्या क्या करेंगे, उसमें क्या क्या चेक करेंगे कि मेंटेनेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्यूरीफायर हैं सबको ओपन करेंगे, उसमें जो क्लीनिंग पार्ट है उसको क्लीन करेंगे और डैमेज पार्ट को रिन्यू करेंगे। गियर ऑयल में जो गियर केस में जो गियर ऑयल है उसको भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और जो उसका क्लच पैड होता है उसको भी क्या करेंगे, टाइम टाइम पर मेंटेनेंस करेंगे। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, प्यूरीफायर ऑल पार्ट ओपन चेक एंड क्लीन, डैमेज पार्ट बी रिन्यूड, गियर ऑयल बी रिन्यूड, गियर क्लच टू बी रिन्यूड, ये हम चेक करेंगे। पहला हम क्या चेक करेंगे, तो पहला हम लोग क्या मेंटेनेंस करेंगे, प्यूरीफायर ऑल पार्ट ओपन क्लीन एंड डैमेज पार्ट भी रिन्यू, गियर ऑयल इन ए गियर केस टू बी रिन्यू,
डैमेज पार्ट भी रिन्यू, उसको क्या करेंगे रिन्यूड करेंगे, नया बनाएंगे, तो ये हम लोग उसमें मेंटेनेंस करते हैं। नंबर पांच की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द सीवेज, सीवेज क्या होता है, ठीक है, सीवेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो भी गंदगी चीज होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं सीवेज, जैसे टॉयलेट हो गया, यूरिन हो गया, जितनी भी गंदगी होती है सीप पर उसको क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। सीवेज मीन्स टॉयलेट यूरिन डिस्चार्जिंग ऑन बोर्ड, ठीक है, सीवेज मीन्स टॉयलेट यूरिन, बस बोल देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द सीवेज, सीवेज मीन्स टॉयलेट यूरिन, बस हो गया। नंबर छह की बात कर लें, कैन वी थ्रो डिस्चार्जिंग सीवेज डायरेक्टली इन डायरेक्टली टू ओवरबोर्ड, बोल रहा है कि कैन वी थ्रो डिस्चार्ज सीवेज डायरेक्टली टू ओवरबोर्ड, बोल रहा है कि जो सीवेज है, जो गंदगी है, उसको डायरेक्टली हम लोग ओवरबोर्ड यानी डिस्चार्ज कर देंगे, दरिया में या समुद्र में फेंक सकते हैं, तो नो, मे बी कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, हम लोग उसको नहीं फेंकेंगे, क्यों, मे बी कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, उसमें क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने एक्सीडेंट बोल दिया था, सॉरी, नो आई विल नॉट डिस्चार्ज, मे बी कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, हम नहीं डिस्चार्ज करेंगे क्योंकि ये पॉल्यूशन का कारण बन जाएगा। नंबर सात की बात कर लें, व्हाट इज डन विद द सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग टू ओवरबोर्ड, बोल रहा है कि सीवेज को ओवरबोर्ड में डिस्चार्जिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको कौन सा प्रोसीजर से होकर गुजरना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मान लीजिए कि जो टॉयलेट यूरिन है उसको डिस्चार्जिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डन देन डिस्चार्जिंग ओवरबोर्ड, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डन देन डिस्चार्ज सीवेज फ्रॉम ओवरबोर्ड, ठीक है। नंबर आठ की बात कर लें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम लोग का टॉयलेट होता है, यूरिन होता है, और जो हम लोग पैसा पैखाना करते हैं, ठीक है, वो एक सीवेज ट्रीटमेंट में उसको ले जाया जाता है, और वहाँ पर ले जाकर उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये एक प्रकार का मशीन होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी उसका एरेशनल किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। नंबर नौ की बात करने, नेम ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चैम्बर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तीन चैम्बर होता है, यानी तीन उसमें क्या होते हैं, तो पार्ट होते हैं, उस मशीन में तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, उन तीनों पार्टों में ये हमारा जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो होता है, ठीक है। पहला पार्ट को बोलते हैं एरिजनल चैम्बर, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट को बोलते हैं क्लोरीनेशनल चैम्बर, और जो तीसरा पार्ट होता है तो एरिजनल चैम्बर, सेटलिंग चैम्बर, एरिजनल चैम्बर और क्लोरीनेशनल चैम्बर, ठीक है, क्लोरीनेशन चैम्बर। पहला होता है सेटलिंग चैम्बर, उसको ले जाकर बायोलॉजिकल जितना भी हमारे सीवेज होते हैं उनको ले जाया जाता है सेटलिंग चैम्बर में, उसके बाद वहाँ से उसको एरिजनल चैम्बर में लेकर जाया जाता है, वहाँ से उसको क्लोरीनेशनल चैम्बर में लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो तीन चैम्बर हुए, सेटलिंग चैम्बर, एरिजनल चैम्बर और क्लोरीनेशन चैम्बर, ठीक है। नंबर दस की बात करें, व्हाट डू वी मीन बाय द बिल्ज, बिल्ज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये सीप जो होता है ना, सीप में जितने भी ड्रॉप ऑयल होते हैं, ठीक है, और या ड्रॉप वाटर होते हैं या डर्टी वाटर होते हैं, डर्टी ऑयल होते हैं, वो बिल्ज में ही जाकर सबसे बॉटम पार्ट होता है, वहीं पर जाकर वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसी स्पेस को क्या कहा जाता है, बिल्ज कहा जाता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय द बिल्ज, तो बिल्ज इज द स्पेस, बिल्ज इज द स्पेस इन इंजन रूम बिलो बिटवीन बॉटम टैंक एंड टॉप प्लेटफॉर्म, जो बिल्ज जो होता है वो टॉप टैंक के और बॉटम प्लेटफॉर्म के बीच में होता है, ठीक है। और इसका इसका पर्पस क्या होता है, तो बिल्ज इज द स्पेस इन इंजन रूम बिलो बिटवीन टॉप टैंक एंड बॉटम प्लेटफॉर्म वेयर द ऑल लीकेज ऑयल एंड वाटर कलेक्टेड, ठीक है, वहाँ पर आपका जितने भी ऑयल लीकेज होते हैं या वाटर लीकेज होते हैं वहीं पर जाकर कलेक्ट रहते हैं। तो ये मैंने आपको कर दिया, और इसमें आपको देखिए कुछ मैंने गलत वगैरह किया होगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसको करेक्शन करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।